नमस्ते, आदर, अभिनंदन और आभार। लिखते हैं नाम विपुल मिश्रा और आप है क्लिपर 28 में। आज चुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। कांग्रेस भाजपा के बीच जोरों से घमासान जंग जारी है। साथ ही आरोप और प्रत्यारोप के बीच हम ये बताना चाहेंगे कि सुशांत शुक्ला, जो कि बेलतरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की है। और गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसरवानी और सुशांत शुक्ला दोनों ही युवा छात्र पूर्व नेता रह चुके हैं। तो यहाँ कांग्रेस भाजपा की ही नहीं बल्कि बिलासपुर के दो पूर्व छात्र नेताओं के बीच भी लड़ाई है। आइए इस कड़ी में आगे जानते हैं कि सुशांत शुक्ला का बेलतरा का दौरा कैसा रहा और वो अपनी जनता से, बेलतरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। अपील करना चाहूँगा कि जनता से आप पहले तो क्या अपील करना चाहेंगे, आपके लिए क्या अपील करें, क्या है वैसे अपील आपकी? पैसे की से लड़ाई पसीने की है और पसीना जीतेगा, ये बेलतरा का विश्वास है। ठीक है, यही मेरी अपील है। प्रदेश में दौरा हुआ है आपका, खासकर अभी बेलतरा से आप विधायक प्रत्याशी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि विधायक के लिए यहाँ पे क्या है माहौल? देखिए, काम बहुत है, उम्र कम, तो समस्याएं तो हैं। जनजीवन की समस्या विशेष क्या आई आपको? बहुत सारी समस्याएं, ये नया बिलासपुर, बढ़ता बिलासपुर है और पंचायतों का विलयीकरण जो नगर निगम में हुआ है उसके बाद इस सरकार ने अंतर तत्र एकदम सर्वत्र विनाश की तरफ व्यवस्था बना दी। न पंचायतों से विवरण के आधार पर अधिग्रहण किया, तो ना सड़क नाली निर्माण, ना विद्युतीकरण, ना साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम दे नहीं पा रही है। वो सिर्फ वसूल रही है संपत्ति कर और भ्रष्टाचार चरम पर है। एक भी विकास कार्य का नींव ये रख नहीं पाए पिछले 5 सालों में। और आज सीना जोरी कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे जो अपोनेंट प्रत्याशी और पार्षद भी हैं उनके वार्ड में जाइए और दुर्गति देखिए कि जीवन की त्राहिमाम वाली व्यवस्था कहां है तो उसके वार्ड में। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी तो यहाँ विधायक जो थे भाजपा के ही थे, रजनीश सिंह जी। रजनीश सिंह जी और दीवान जी, दीवान जी के क्षेत्र कार्यकाल में ये पंचायत के अधीन होता था, जिस जगह पे गीतांजलि सिटी फेस्ट में खड़ा हूँ, सड़कों का जाल बिछा। लेकिन पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने रजनीश भैया के नेतृत्व में चलने वाली बेलतरा विधानसभा को बदलापुर की राजनीति की तरफ ले गए और भेदभाव करते हुए, चूंकि भाजपा का विधायक था इसलिए भेदभाव करते हुए एक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने दिया न करने दिया। ठीक है, परंतु उसके बावजूद भी रजनीश भैया ने लगभग 100 करोड़ के काम बेलतरा विधानसभा में कराए हैं। क्या बात है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। लेकिन अच्छा, एक बात क्या लग रहा है, प्रदेश में सरकार आने वाली है आपकी? कोई नहीं है, चक्कर में क्यों पड़े हो टक्कर। अच्छा, ठीक है। और बेलतरा से आप जनता को क्या वादा करना चाहेंगे, विशेष क्या वादा करना चाहेंगे कि अब आप आते हैं क्योंकि आप छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत किए हैं, तो अब अगर आप चुन के आते हैं तो क्या छात्रों के लिए करना चाहेंगे, क्या युवाओं के लिए रहेगा, क्या आप खासकर के लिए यहाँ की बेलतरा की जनता की समस्या के लिए विशेष तौर से क्या करना चाहेंगे? काम बहुत है, काम की श्रृंखला को अगर लेके बैठूंगा तो समय निकल जाएगा। ठीक है, परंतु आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि पैसे के खिलाफ अगर इस बच्चे के पसीने को जिताएगी जनता तो 24 घंटे 7 दिन उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।